बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमारी दुआ आपके साथ है। तो व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए खेल पानी लेके आया हूँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और छत पे बैठा हुआ था, फिर नीचे उतरा तो मैंने कहा चले वीडियो बना लेते हैं। पानी पी रहा हूँ, गर्मी लग गई। तो इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी मैंने, वो जो है एक मेरा चैनल है कबूतर के, काफली कबूतर के हवाले से, हाई फ्लायर पिजन के हवाले से बनाया था मैंने। अक्सर भाई जो है वो कहते हैं कि उस्ताद काबली कबूतर हमने रखे हुए हैं तो उड़ते नहीं हैं, उनके लिए भी बताया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंट्रोडक्शन करा देता हूँ मैं आपको। काफ़ी कबूतर रखे हैं मैंने, काबली कबूतर, बहुत ज़्यादा कबूतर रखे थे मैंने एक वक्त पर। आप यकीन करेंगे तो शायद मेरे लैपटॉप में कुछ पिक्चर्स भी होंगी, मैं वो दिखा दूँगा आपको। 600 से 500-600 कबूतर रखे थे मैंने काबली। अभी भाई मेरे भाई हैं, अभी भाई सलीम भाई, यासिन भाई और मैं आपके नाम राशिद भी कराते हैं। अब चारों भाइयों ने रखे हैं माशाल्लाह से। आज मेरे भाई कुर्बान भाई हैं तो दुबई में, उन्होंने रखे हुए हैं कबूतर। तो हम भी पहले वहीं पे थे, बस घूमने फिरने आते रहते हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में कभी कभार तो वो वक्त की बात है जब मैंने रखे हुए थे। तो अब आ जाते हैं, तो उसी वजह से मैंने चैनल भी बना दिया था ताकि हाई फ्लायर पिजन्स के बारे में बहुत कुछ खेल पानी मुझे आते हैं और इसे रिजल्टेड खेल पानी है। कबूतर उड़ता है और बहुत अच्छा टाइमिंग देता है, रुकता भी है आसमान पे, जितना आप उड़ाना चाहें उतना उड़ेगा कबूतर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से उनका टाइमिंग बढ़ता जाता है और उस कबूतरों के अंदर बहुत तेज़पन दिमाग भी होता है, तभी वो कबूतर उड़ते हैं, घर पर लौटते हैं। तो उसके बारे में बात तो चलती रहेगी फिलहाल, बाद में उस चैनल पर अगर जिस भाई का दिल करेगा तो उसके नीचे उसकी लिंक होगी, वो खोलकर उस चैनल पे विज़िट कर सकता है। जिस भाई का अगर हाई फ्लायर का शौक़ हो तो वो खेल अलग हटकर खेल होते हैं। तो चलें अब चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं कुछ कबूतर के बारे में। अब आगे बात समझने की और कबूतर दौड़ाने की। गर्मी में कबूतर दौड़ेगा लेकिन किस तरीके से दौड़ेगा और किस तरीके से सामान लगा कर दौड़ाया जाएगा, वो आपने अपने जहन में रखना है और उसी तरीके से आपने कबूतर को दौड़ाना है और लगाना है। मेहनत करनी पड़ेगी कबूतर पे, एकदम से कबूतर नहीं दौड़ पड़ेगा। आपने आज लगाया और कल कबूतर दौड़े, इम्पॉसिबल। कबूतर साजदम बनेगा, तावे लगेंगे, सेट होगा। दोपहर में 11 बजे खोले, 12 बजे खोले, 1 बजे खोले, 2 बजे खोले, 3 बजे तक जो टाइम आप पकड़ें, गर्मी का टाइम पे कबूतर उड़ेगा, आपके सामने उड़ेगा, आप खुद ही देखेंगे कबूतर उड़ेगा। लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वही चीज़ आपने लगानी है। तो अब चलें, बातें तो इंशाल्लाह होती रहेंगी, अब चलें कबूतर की तरफ चलते हैं और बताता हूँ कैसे लगाना है, क्या क्या सामान खेल पानी की तरफ। देखें सबसे पहले जो है आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि गोसबान की आपने डब्बी लेनी है। ये डब्बी नाम पर लें आप, अपरेशा चवाशिर गोसबान। एक चीज़ का ये चिकनाव आप कबूतर पे लगाएंगे, छोटी डब्बी, और ये पाकिस्तान में आपको मिलेगी तकरीबन, इसका रेट आप देख लें, अगर मोबाइल कैच करें तो आप देख लें, तो मैं बता देता हूँ ये मिलेगी आपको 200 रुपये की डब्बी, 200 रुपये की डब्बी मिलेगी। मैं थोड़ा पानी भर लूँ पीने के लिए, गर्मी भी बहुत लग रही है मुझे, इस तरीके से मुझे गर्मी लग रही है तो इस तरीके से कबूतर भी उड़ेगा ना तो उसे भी गर्मी लगेगी, तो उसका भी हमने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। जिस तरीके से मुझे गर्मी लग रही है तो मैं पानी पी रहा हूँ, तो कबूतर के अंदर ये सब चीज़ें पूरी होंगी तो कबूतर भी अच्छा उड़ेगा। जब तो पानी भर लूँ, तो पानी तो भर लिया मैंने, बिस्मिल्लाह। अब बात है कि इसका चिकनाव लगेगा, का चिकनाव कैसे लगेगा, किस किस सामानों के साथ लगेगा, ये अपने आपने अपने जहन में अब ये चीज़ बिठानी है। आप ये एक डब्बी ले लें, एक पाव आटा लें,
एक पाव आटा लेकर आपने क्या करना है, चार बिदा, ज्यादा नहीं, यह बिदाम, चार बिदाम आपने लेने हैं, चार बिदाम, सही है, चार बिदाम आपने ले लेने हैं। चार बिदाम लेकर आपने उस बिदामों को भिगो देना है, 8 घंटे से 10 घंटे तक भीगा हुआ बिदाम, और वो आपके ऊपर है, 8 से 10 घंटे पूरा भीगा हुआ बिदाम होना चाहिए। निकाला, उसका बनाए पाउडर, उसके बाद जो है आपने लेनी है असगर नगोरी, देख लें, असगर नगोरी लेनी है, एक नंबर डंडी ले लेनी है आपने, जिस तरीके से बताता रहता हूँ उसी तरीके से आपने सामान लेना है इसका। यहाँ सर, यहाँ से आज मैं आपको इसके तरीका बताऊँगा, अपने जहन में रखना, और आपने भी इसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो बाहर गया था सामान लेने, आड़ी लेने गया था, इस जगह पर आपको नज़र आ रही है, तो जब आप लेने जाएंगे तो ये चीज़ देखना ऐसी हो, ये चीज़ ऊपर लगी होनी चाहिए, इस जगह पे इसको रख के आपने इस तरीके से काट लेना है, ऊपर कचरे को तोड़ना नहीं है, काटना है, तोड़ोगे तो काम ख़राब हो जाएगा। ये देखिए जिस तरीके से मैंने भी इसे काट रहा हूँ, और ये भी कट रही है, मैं दिखा देता हूँ आपको काट के भी, और इसको कैसे देना है ये भी दिखा देता हूँ आपको मैं, ताकि इंशाल्लाह आप भाई जो हैं छत पे जब कबूतर उड़ाएं तो ये बात हो रही है गर्मी में उड़ाने की, पे पूरा जो है ध्यान कबूतर के ऊपर होगा तो ही इंशाल्लाह कबूतर भी उड़ेगा। अब जिस भाई को शौक है ना उड़ाने का, गर्मी में दौड़ाने का, तो अब ये वो लगाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ये सर्दी में कोई भी चीज़ जैसे भी चलाओ आपके ऊपर है, गर्मी में जो मैं ये बता रहा हूँ उस पर उस तरीके से लगानी है। ये उठाया आपने, ये मिल गई आपको, देखें वाइट, ये एक इस तरीके से कुछ चीज़ लेके ये इसके ऊपर से इस तरीके से पुरज है, ये देखें मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, आपको नज़र आ जाएगा ये क्या चीज़ कैसे हो जाएगी, सब सब दिखाता हूँ मैं आपको। ये सब कुछ मैंने अपनी लाइफ में बड़ी मुश्किलों से सीखा है, आप ये मत समझे कि ये बहुत आसान है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ ना तो मैं जानता हूँ कि मैं ये कितनी मुश्किलों से मैंने, अच्छा ये बात हो रहा है छोड़ो, मेरे बारे में क्या बात करें, रहने दो, आप अपने जब कबूतर उड़ाएंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, तो बस वही सही है, बाकी छोड़ो बातें बेकार है, बातें करना जो बोलेंगे अपनी तारीफ़ें करने बैठ जाता है, उनके अपनी तारीफ़ें करने का शौक नहीं है, बस कबूतर अच्छा उड़े बस यही चीज़ मैं चाहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी भाई बता रहे हैं कबूतर वो अच्छा हो गया उस्ताद आपने बताया, और मज़े कर रहे हैं, पूरा भी है कबूतर, और कमेंट में भी कुछ लोग कहते हैं कि यार उस्ताद आप और चीज़ें बताएं। अब मैं एक नहान बताने वाला हूं, और इस वीडियो में मैं एक बात आपको बता दूं, आज जो नहान बताने वाला हूं ना मैं, आपने कभी ऐसी नहान किसी के मुँह से नहीं सुनी होगी, नहान देखना फिर बात करेंगे, और ये नहान आप लगाएं तो सही कबूतर को, फिर देखें ये सब लगेगा भाई गर्मी में, सब बताऊंगा और ऐसे ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप बोलो यार कबूतर कैसे खड़ा हो गया उड़ने के लिए, और जो गुजरेंगे ना यहाँ वहाँ से लोग देखने वाले भी बोले यार ये छत पे कबूतर उड़ रहा है बंदे का, और ये मैं बता दूँ इतना, जब कबूतर इतना चल पड़ा ना तो कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, शोर शराबे की क्या जरूरत है, जब कबूतर आपके सामने नहीं है, कबूतर निकल के चला गया आप क्या शोर मचाओगे, इसको किसके लिए शोर मचाओगे, कबूतर ही नहीं है, कबूतर बच गया उड़ के लंबी वे, अब आपसे बैठ के देखो वो कब आता है, वो तो लंबी मार के आ जाएगा इंशाल्लाह, बरदान है, ये नहीं कि भाग जाएगा, वो तो आएगा लंबी मार के, लेकिन आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप इंशाल्लाह बस देखोगे कबूतर। अब देखो इसको मैंने साफ किया, वीडियो बड़ी हो रही है कोई मसला नहीं है, जिसको देखना है वो देखिए, जिसको नहीं देखना उसकी मर्जी है, जो मिस करेगा वो उसका मैटर है, जो चीज़ सही बतानी चाहिए, गलत बता के मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये डंडी देखें, अब ये डंडी होगी साफ, ऊपर से कचरा जो है वो पूरा हटा दिया, डंडी साफ, इस डंडी का 2 इंच की डंडी है, ये मैं आपको दिखा दूँ, 2 इंच की डंडी, पूरा पाउडर बनाना है, पूरा पाउडर ऐसा बनाना है कि
पाउडर बन जाए, बिल्कुल सही है। एक दो बादाम, चार, तीन चीज ये हो गई, तीन चीज ये हो गई। उसके बाद आप चलेंगे इसकी तरफ, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास रखा हुआ है सामान इधर ही है। तबाशीर लेनी है, तबाशीर, तबाशीर के आपने इसके अंदर, मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए चार दाने आपको नजर आ रहे होंगे, चार दाने तबाशीर का पाउडर बनाना है। पाउडर बनाकर आपने, अब आप चलेंगे इसकी तरफ, किसकी तरफ, चार लेनी है सब्ज इलायची, चार सब्ज इलायची लेनी है, चार सब्ज इलायची, चार सब्ज इलायची लेनी है, चार सब्ज इलायची, इसका भी पाउडर बनाना है। और आपने लेनी है इसके बाद जो है आपने लेनी है, मैं दिखाता हूँ आपको एक सेकेंड, ये रखी है, यह है दक्कनी मिर्च, दक्कनी मिर्च, दक्कनी मिर्च सब भाई ने देखी हुई है वीडियोस में, अभी फिर देख रहे हैं तो उनको पता है कि दक्कनी मिर्च। इसके अंदर से 50 कबूतर के लिए आपने निकालनी है दक्कनी मिर्च, तकरीबन 30 दाने, 30 दाने दक्कनी मिर्च के पाउडर बनाने हैं, पूरे 30 दाने, 30 दाने दक्कनी मिर्च का पाउडर बनाना है। अब जो है सामान आपके सामने आ चुका है, और आपने लेनी है इसमें एक गोली मोतीवाल की, एक गोली लेनी है मोतीवाल की, सिर्फ एक गोली मोतीवाल की लेनी है, पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाकर मक्खन लेना है, मक्खन बगैर नमक का, मक्खन बगैर नमक का मक्खन ले लेना है आपने, और आपने बगैर नमक का मक्खन लेकर उसके अंदर आपने रोटी पकानी है। 50 कबूतर के हवाले से एक पाव से कम लेने हैं, एक पाव लेने, उससे ऊपर मत लेना आटा, उसे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। मक्खन में आपने बादाम हटाकर सब्ज इलायची का पाउडर, असगर नगोरी का पाउडर, तबाशीर का पाउडर, दक्कनी मिर्च का पाउडर, एक मोती वाल गोली का पाउडर मिला दे, इसमें मक्खन में, जब मक्खन थोड़ा फ्राई बन पे गर्म हो जाएगा, पिघल जाएगा, मिलाकर रोटी पकाएं। रोटी बाहर आ गई, अरके गोसबान का आधी डब्बी, आधी डब्बी अरके गोसबान की आपने उसके अंदर मिला दें चिकनाओं में। मिलाने के बाद चार बादाम भीगे हुए, चार बादाम भीगे हुए, आपने चार बादाम भीगे हुए का पाउडर बनाकर 10 घंटे भीगे हुए बादाम लेने, बस पाउडर बनाकर उसके अंदर मिक्स कर दें, मिक्स कर दिया, गोलियां बनाए, कबूतर को खिलाएं। चिकनाओं समझ आ गया होगा आपकी, सामान आपने सब देख लिया होगा वीडियो में। अब चलते हैं पानी की तरफ, जो इसको पानी पिलाना है, देखें मिस मत करें, एक एक चीज को देखें और फिर कबूतर निकाल के उड़ाएं और फिर मुझे बताएं कबूतर कैसे हो रहा है। अब चलते हैं पानी की तरफ, पानी में आपने क्या लेना है भाई, देखें भाग नहीं जाए कबूतर, कबूतर पके रखना, जो कबूतर ये खेल उठा के ना उड़े मेहरबानी करके उस कबूतर पे जोर आजमाई भी मत करना। हर कबूतर का काम नहीं है खेल उठा के चलना, जो कबूतर ये खेल पे चल पड़ा, जो घूम रहा है, जो पलट रहा है, जो तंग कर रहा है, जो दीवार पे बैठ रहा है, जो नहीं उड़ रहा है, वो कबूतर रोक लो, बाकी जो उड़ रहे हैं उस कबूतर से अपना शौक करो, कोई मसला नहीं है। जो रुका हुआ है, हो सकता है कि पर की वजह से, पर गिराए में उस वजह से रुका हुआ है, कोई मसले की वजह से रुका हुआ है, उसका दुम पे कांटा होता है वो फाड़ना पड़ता है, चोंच मिलानी पड़ती है, दाना बराबर उठाए कबूतर, बहुत कुछ समझना पड़ता है कबूतर में। ये नहीं है कबूतर गया पलट के आके बैठ रहा है, होता क्या है वो दाने का भूखा कबूतर है, उसको झल लगी हुई है, वो कहाँ से जाएगा, और बंदा पीट रहा है वो कबूतर, सब कबूतर को पलटा देगा, पूरा खेल की ऐसी की तैसी कर देगा। उस्ताद कबूतर दौड़ाते हैं ना,
तो नजर रख दे कौन सा कबूतर टुकड़ी को पलटा रहा है, कौन सा कबूतर कबूतर को नहीं जाने दे रहा है। वो चीज आपके ऊपर हो, मेरे ऊपर नहीं हो, आप नोट करेंगे। जो सच है, जो सही है, वो बताना चाहिए। और बंदे के दिमाग में ये चीज बैठ जाती है। तो हमने जब किसी से सीखा तो हमें भी ये चीज सिखाई गई, तो तभी हमारे दिमाग में बैठी हुई है। हम उड़ाते ही देख लेते हैं यार वो फलाना कबूतर वो मस्ती कर रहा है, वो कबूतर नहीं जाने दे रहा, फलाना कबूतर वो पलट रहा है, उसके अंदर क्या वजह, उसको पकड़ो, उसको चेक करो। चेक करते हैं उसके दुम पे कांटे में पूरा पीप भरी होती है पानी की, वो फाड़ देते हैं, उसको बिठा देते हैं, कल निकालते हैं, वो कबूतर जा रहा होता है। कबूतर में बहुत चेंजिंग होती है। कोई कबूतर ऐसा होता है जो नहान मांग रहा होता है, वो नहान मांग के फ्रेश होकर अपने आप को हल्का महसूस करके फिर निकलता है। इसके नहान इस खेल के ऊपर नहान भी बताऊंगा और पानी भी बताऊंगा। ये वीडियो बहुत बड़ी बनेगी, कोई मसला नहीं, पूरी देख लेना, आपके फायदे की वीडियो। अब चले पानी की तरफ। पानी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास ये रखा हुआ है पानी भी, ये देखिए, ये है अर्के गौसबान। दोनों चीज आप देख रहे, एक ही चीज है दोनों। चिकनाओं में भी ये लगेगा, पानी में भी ये लगेगा। मेरे भाई आप मेरे खेल पे ऐसे ही चलाना कुआ जैसे मैं बता, और जो हरकतें कर रहा उसको रोक लेना, बाकी कुआ चलने देना। अच्छे से अच्छा कबूतर जो नहीं उड़ रहा वो भी इंशाल्लाह इस पानी पे जाता हुआ नजर आएगा आपको आगे। अच्छा अब बातें बाद में होगी, पहले खेल इधर चलते हैं। अर्के गौसबान, एक पानी ये आपने लेना है, एक पानी आपने ये लेना है, अर्के गौसबान, अर्के इलायची, अर्के गुलाब, अर्के गुलाब, और एक चीज है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने क्या करना है, पॉइंट पे आ जाते हैं, असगर नगोरी लेनी है। एक चीज जो बता रहा था मैं आपको, असगर नगोरी, बेशक आप उसको साफ करें ना करें वो आपकी मर्जी है, साफ कर देंगे तो बेहतर है। उसको पूरा इस पानी में घिस देना है। अगर आप नहीं घिस सकते, टाइम नहीं है, तो इसका पाउडर बना लेना, 2 इंच टुकड़े का पाउडर बना लेना। पाउडर बनाकर मसल कर चुटकी पूरा पानी में मिला देना। दूध लेना है, दूध 50 कबूतर के लिए दूध लेना है आपने, तकरीबन ले लें आधा किलो दूध ले लें, आधा किलो दूध ले लें, आधा किलो दूध। बाकी ये पानी जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये अर्के गौसबान, अर्के गौसबान आपने इस तरीके से ढक्कन खोल कर 5 ढक्कन अर्के गौसबान के, 5 ढक्कन अर्के गौसबान के उसमें आपने डाल देने हैं, दूध में, दूध में 5 अर्के गौसबान के ढक्कन दूध में डाल देने हैं। पानी बता रहा हूँ, पानी, सबज इलायची, सबज इलायची के 5 ढक्कन, 5 ढक्कन ऊपर वाले ये ढक्कन भर कर पानी में डाल दें, दूध में, दूध में डालेंगे आधा किलो दूध में। अर्के गुलाब के 5 ढक्कन डाल दें। अब आ जाओ इसकी तरफ चलते हैं। ये रखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा था, खमीरा मरवरीद, खमीरा मरवरीद, ज्यादा नहीं लेना है आपने, ये आपने लेना है इस तरीके से, उंगली में जितना आ जाए, उंगली को, उंगली आप इसमें नहीं मारना, दूध फट जाएगा, दूध खराब हो जाएगा। आपने करना क्या है, चम्मच ले लें, चम्मच ऐसे इसमें इस तरीके से ऐसे। अब मैं आपको समझा देता हूँ, आपकी समझ में बैठ जाएगा। 2 बादाम के बराबर यार छोटा चम्मच जो आता है ना चाय का, छोटा चम्मच, इस पर एक बिरयानी खाते हो नहीं से एक छोटा चम्मच आता है, वो चम्मच के आधा हिस्सा या चौथा हिस्सा भर लेना आपके ऊपर, मिला देना दूध के अंदर बहुत अच्छे तरीके से, दूध थोड़ा नीम गर्म करके मिला देना। मिला कर ये देखें, ये है दक्षिणी मिर्च, मैं आपको दिखा दूँ, इधर ही थी ना अभी आपने देखी, देखिए दक्षिणी मिर्च तो सब भाई जानते हैं, लेकिन दिखा रहा है इसलिए जो भाई नहीं जानते तो वो देख लें, उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा ताकि वो मिस ना करें। दक्षिणी मिर्च, यह दक्षिणी मिर्च 25 दक्षिणी मिर्च,
30 या 25, उससे कम नहीं लेना, उससे कम की बात नहीं चलेगी, क्योंकि दूध मीठा होता है, अपने जहन में रखना, खमीरा भी मीठा होता है। दकड़ी मिर्च 4, 5, 10 डालेंगे, कुछ नहीं बनने वाला है, कबूतर पे तो लगेगा ही नहीं, कबूतर बताएगा नहीं कि मेरे पे कोई चीज़ लगी है। 30 दकड़ी मिर्च, 25-30 दकड़ी मिर्च, 30 दकड़ी मिर्च ले लें 50 कबूतर के लिए। पाउडर बना कर डाल दें दूध के अंदर, दूध के अंदर डाल दें। मैं कहता हूँ 2 दिन चिकनाव लगाया, कल पानी लगाओ, यही दूध वाला, उसमें उतना पानी डालो, कोशिश करो उतना पानी डालो जितना आपके कबूतर पानी पी सके, फेंकना ना पड़े, ज़ाया ना हो, भर के ना बनाओ जो सब बेकार हो जाए, तासीर निकल जाए, कबूतर पे काम ही ना करे पूरा। इतना कुछ बता रहा हूँ, ये सब कुछ ऐसे नहीं है, रिजल्टेड चीज़ें हैं, यकीन माने मैं कसम खा के कह रहा हूँ। आपने अगर ये सब चीज़ें सही तरीके से कबूतर पे खेली, मेरे कहने के मुताबिक कबूतर ये उठा और ये गया गर्मी में, आप बैठ के देखो यार कबूतर जा रहा है, कबूतर बोलेगा आपके आप क्या कर रहे हो, आपको उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही उड़ के जा रहा हूँ, इतना ठंडा और इतना महफूज हो जाएगा कबूतर, उठ के भागेगा। अब आ जाओ बात एक और भाई, बात एक और बता रहा हूँ तो भाई सही तरीके से बता दो ताकि आप भाई लोग भी उड़ाओ या दुआ दोगे इंशाल्लाह, आप भाई बोलोगे वाकई में उस्ताद ने बता दिया दिल खोल के। ये सब चीज़ें हफ्ते में 2 चिकनाव 2 पानी, 4 दिन गुजर गए, 4 दिन आपने गुजार दिए, ठीक है, छोड़ना नहीं है कबूतर को, कबूतर को नहीं छोड़ना है आपने, स्टेमिना बनाकर रखना आपका काम है। सुबह के टाइम पे पानी खराब हो जाता है दूध वाला, ये सबको पता है, पिछली वीडियो से मैंने बताया, सब वीडियो में बताया, सबको पता है। दूध में कबूतर ने कोशिश किया, कोशिश ये करें शाम को तावे दे कबूतरों का, पानी रखा आगे, दूध रख दिया, कबूतर ने पानी पी लिया, सब कुछ पी लिया, पिंजरे में रखा, सुबह आया उसको उठा के फेंक के सादा पानी ले लिया, सादा पानी लेकर यकीन करें मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये देखिए यह किलोकोस डी, देख रहे हैं वीडियो में किलोकोस डी, 1 चम्मच बिरयानी का भर लें इसका, 1 चम्मच बिरयानी का किलोकोस का भर कर डब्बे में डाल के मिक्स करके पानी रख दें, चक्की मार दें, आने दें कबूतर को, ये पानी कबूतर को पीने दें। कबूतर कहाँ से गर्म आएगा, कबूतर हर अभी सादे पानी में किलोकोस पी के बैठा, ठंडा है, एनर्जी बनी हुई है, ताकत बनी हुई है। कबूतर निकाला, उड़ाया, चिकनाव का टाइम है, चिकनाव डाला, चिकनाव में सब चीज़ VIP लगी हुई है, हर चीज़ दौड़ाने के हिसाब से मैंने बताई हुई है, वो सब चीज़ें उस पर लगी हुई हैं। दूसरे दिन अब आ गया चिकनाव के बाद पानी रखने की बारी, पानी तो खेल पानी वाला पानी नहीं रखोगे, सबको जिसका पता है, ये किलोकोस 1 चम्मच भर के मिलाया और रख दिया, पीने दो। बल्कि नहीं पीने देते हो, प्रॉब्लम हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पीने दो, कुछ भी नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ निकालो उड़ाओ कबूतर उड़ेगा। सादा पानी रखना चाहते हो दिन में, उसकी मुतमईन नहीं है, अभी इतना कुछ चिकनाव में खिला पिला दिया, सादा पानी रख दिया, सादा पानी जब पिया कबूतर ने पी लिया, सुबह उठकर उस पानी को फेंक कर वापस 1 चम्मच डालो, मिक्स करो, पिला दो, यार जाओ यार कबूतर ऐसा उड़ेगा ना, छतों पर कबूतर उड़ता हुआ जाएगा ना, लोग देखेंगे कबूतर उड़ता हुआ जा रहा है, आपसे कंट्रोल में नहीं हो, जब चल पड़ेगा ना कबूतर, फिर रोक के दिखाना रुकता कैसे है कबूतर, फिर रोकने में इतना मुश्किल, कबूतर उठेगा 2 मारेगा पलटे और ये गया कबूतर, गर्दान कबूतर होगा जाएगा इंशाल्लाह वापस आएगा, कुश्ती लेता हुआ कबूतर होगा, थोड़ा टाइम पलटाओ ताकि लोगों से बचो, ऐसे टाइम पे निकाल के उड़ाओ ताकि जब साइड वाला जब बंदा कबूतर खोले गर्मी में, वो उड़े नहीं, आपका कबूतर तैयार हो। लेकिन भाई मेरे छपके मार के डरा कर ये करके वो करके स्टैमिना नहीं है, कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब कुछ बनाना है। और एक चीज़ बताना भूल गया था, आपको बताता चलो यार, मैं भूल गया था, मेरे जहन में नहीं आई, दूध गर्म करके ये पानी में आपने एक मोतीवाल डालनी है, इस पानी में एक मोतीवाल भी डालनी है। देखिए भाई मेरे, बातें बहुत हो जाती हैं, असल में आप काम ऐसा करें भाई, लाइफ में भी आया जाया करें, मेरे पास जैसे कुछ टाइम है, टाइम फारिग पड़ा, मैं बिजी नहीं होता, फ्री होता हूँ, तो इंशाल्लाह लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा,
और यकीन करें यकीन करें, खेल पानी ऐसे ऐसे अपलोड करूंगा मैं कबूतर केयर टिप्स चैनल पे, जो मेरा चैनल है उस पे और इस पे। अबे भाइयों ने बोला कि उस्ताद तो रुक गए उसी चीज़ों पे, आगे बढ़ते ही नहीं है। आगे क्या पढ़े, चीज़ तो सही हो तो बताएंगे ना, गलत चीज़ें बताने बैठ जाएं ये दुनिया के सारे सामान लेके आ जाए, उल्टा पुल्टा बताएं, कबूतर ख़राब कर दें सबके, हमें क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा भाई। रिजल्टेड खेल पानी, रिजल्टेड चीज़ों पर पूरा तवज्जा दें, वीडियो पूरी देखें, उस्ताद ने कैसे बताया पूरा सीखें। मैंने बड़ी मेहनत से बहुत कुछ सीखा हुआ है कसम से, अभी तक ऐसे ऐसे पानी पड़े हुए, ये पानी आप लगा लो, आगे मैं और पानी बताऊंगा, वो पानी भी लगा कर देख लेना, कबूतर उठता ही जाएगा। ये कुर्सी है ना, कुर्सी, कुर्सी पे बैठो, एक कुर्सी पे इंशाल्लाह बड़े बोल की तौबा है, कुर्सी पे बैठो कबूतर टक करो, कबूतर उठ के गया, बंदे बैठे होंगे नहीं यार कबूतर तो जा रहा है, ना चीपी ना छपका कुछ भी नहीं लाओगे, बनाने पड़ते हैं कबूतर, कबूतर बनाने पड़ते हैं, थोड़ी मेहनत होती है यार, मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला भी साथ देगा। तुम मेहनत करो, खेल पानी सही तरीके से लगाओ, बताए हुए कबूतर उड़ा के देखो। ये जो मैं बता रहा हूँ पूरी ज़िंदगी गुजर गई मेरी, आज तक यूट्यूब चैनल पे किसी की मैंने ऐसी वीडियो नहीं देखी, ये उस्तादों के खेल है, मुझे उस्ताद ने अपने साथ बिठा कर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदगी दे मेरे उस्ताद को, उसने बिठा कर मुझे सिखाया है भाई, और आज ऐसे ऐसे कबूतर उड़ा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं उड़ाता हूँ, बता रहा हूँ आप भाइयों के आप उड़ा लो, मेरे पास भी छत पे कबूतर है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उड़ा कर दिखा दिए थे वीडियो में, जाओ देखो कैसे उड़ के भागे कबूतर। अब नए कबूतर हैं उनको भगाएंगे, तार तार पलटी मारेंगे, पीछे सामने घर है, घर पे जाके कूद जाएंगे। मेरे तो आप यकीन करें एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के कबूतर भी मैंने उठा के खोले हुए, वो सिर्फ तो सिर्फ अपने एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तो कोई दूर नहीं है, मतलब 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के बाद उसका घर है कबूतर का, वो यहाँ पे हो रहा है। अब उस कबूतर पे खेला हूँ, वो अपने घर पे जाके कूदेगा नहीं कूदेगा। मैं सिंधी होटल आप शायद जानते होंगे, सिंधी होटल, सिंधी होटल से मैंने कबूतर उठाया ना, डीकी मोड़ से सिंधी होटल से, और सरजानी में बैठा हूँ मैं, कितना टाइम लगा, 5 से 10 मिनट में कबूतर अपने घर पे था, खेल लगाया मैंने, उड़ाया यहाँ से लंबी मारने के लिए, वो पलटा तार पार सीधा अपने घर पे, जैसे ही जाके उतरा वो बंदे ने पकड़ के बंद कर दिया कबूतर, फोन आ गया भाई कबूतर आ गया यहाँ पे, मैंने दौड़ाया उसको इस तरफ के लिए, वो पहुँच उस तरफ गया कबूतर। तो भाई मेरे कबूतर पक्के होने चाहिए, अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिंदगी रखी, मैं अभी अपनी छत पर काले देसी घंटेदारों के पट्ठे बना रहा हूँ, मेरा पूरा माइंड है भाई का और मेरा, हम काले देसी घंटेदार कबूतर, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी 50-60 कबूतर बनाकर उसको दौड़ाएंगे, जो दौड़ेंगे वो घर के पट्ठे होंगे और होंगे सारे देसी घंटेदार। बाकी आप भाइयों का प्यार, आप भाइयों की दुआ चाहिए, आप भाई भी इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें और ये खेल पानी देखें और आगे मज़ीद चलते जाएंगे, बहुत कुछ है बताने के लिए, ख़त्म कुछ भी नहीं हुआ भाई, अगर समझ लो समुंदर है ना, समुंदर उसके अंदर पेड़ भी नहीं रखा आपने, समुंदर पूरा पड़ा हुआ है खेल पानी का, आप तो बाहर खड़े हो खुशकी पे, पेड़ भी नहीं रखा मैंने, उतना भी नहीं बताया आप भाइयों को, आप यकीन करें खुद बाहर खुशकी पे खड़े हो, समुंदर पूरा पड़ा हुआ है खेल पानी का मेरे पास, आप खुशकी पे हो, एक पाँव पानी के अंदर नहीं रखा खेल पानी में, उतना ही बताया कि आप बाहर ही बाहर, आपका कसम से इस पे कबूतर इतना अच्छा उड़ रहा है तो अंदर ले जाऊँगा तो पता नहीं कितना अच्छा उड़ेगा कबूतर, बहुत कुछ है बताने के लिए भाई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब बताएंगे, आपका कबूतर भी अच्छा उड़ेगा, ज़ाया भी ना हो, नुकसान भी ना हो, मर भी ना जाए कबूतर, ज़ाया भी ना हो जाए, बहुत कुछ होता है यार कबूतर पे, कबूतर पे बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ लगाना होता है। तो बातें बहुत हो गई हैं, ये वीडियो पूरी वॉच करना, आपके फ़ायदे की वीडियो है, खेल पानी में अगर बनाने बैठता तो फिर भी इतना और बातें समझा दिया ना, इसमें बड़ा फ़ायदा है कि आपकी समझ में आ गया। अल्लाह ताला आप सब भाई को खुश रखे, आबाद रखे और मुश्किलों से दूर रखे, तहे दिल से आप सब भाइयों के लिए दुआ करता हूँ, जो मेरे YouTube फैमिली है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वीडियो जितनी बड़ी हो पूरा खेल पानी को समझेंगे, अपने कबूतर पे लगाएंगे, अपना कबूतर उड़ाएंगे। अल्लाह हाफिज़।